हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान गुलशन कुमार जी के इस कमेंट को। श्रीमान गुलशन कुमार जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग बजाज अलायंस लाइफ के लॉन्ग लाइफ गोल प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लॉन्ग लाइफ गोल प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इससे आपका समय बचेगा। इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में सूचना दीजिएगा कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं या आप क्या जानना चाहते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप जरूर लिखिएगा। हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सरल जीवन बीमा प्लान से संबंधित। टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, अर्थात ये एक टर्म प्लान है। यानी कि आप अपनी आयु को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसी टर्म चुनते हैं, जो सम अशोर्ड आप चुनते हैं, उसके आधार पे जो प्रीमियम आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करती है, यानी कि बाजार संबंधित कोई जोखिम है ही नहीं। अब क्योंकि नॉन पार्टिसिपेटिंग टर्म यहाँ पे इंक्लूड है, इसका मतलब है अपनी तरफ से कोई बोनस या प्रॉफिट आपके साथ शेयरिंग नहीं होगी। यानी कि आपने जो प्रीमियम पे किया है सम अशोर्ड के लिए, लाइफ कवर के लिए, वही यहाँ पे आपको पेबल होगा। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आपकी मृत्यु होती है तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट यानी कि जो लाइफ कवर का अमाउंट है वो लमसम पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। बेनिफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे आगे समझेंगे, अभी आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए जिससे कि आप सरल जीवन बीमा प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ पाए। एंट्री एज का जो लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 65 साल का रखा गया है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 70 साल का, यानी कि प्लान में आप अधिकतम 70 साल की आयु तक ही अंडर द कवर रह पाएंगे। बात आती है सम अशोर्ड के लिमिट की, कम से कम 5 लाख रुपए का सम अशोर्ड से प्लान चालू कर सकते हैं, मैक्सिमम 25 लाख तक का ही कवर मिल पाएगा। पॉलिसी टर्म कम से कम 5 साल, अधिकतम 40 साल तक का पॉलिसी टर्म है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 3 ऑप्शन है, सिंगल प्रीमियम यानी कि वन टाइम प्रीमियम पे करेंगे, लिमिटेड प्रीमियम के केस में या तो आप 5 साल प्रीमियम पे कर सकते हैं या फिर 10 साल, रेगुलर प्रीमियम के केस में जितने साल का पॉलिसी टर्म होगा उतने साल आप प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम पेमेंट के मोड की बात करें, सिंगल प्रीमियम, सालाना, छमाही और मासिक किस्तों में आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो ऑटो डेबिट मोड पे ही मासिक मोड ऑफ प्रीमियम आपको मिल पाएगा और कम से कम 2 या 3 प्रीमियम आपको एडवांस में देनी होगी। प्रीमियम निर्भर करती है आपकी आयु, सम अशोर्ड और पॉलिसी टर्म पे। अब हम बात करते हैं बजाज अलायंस लाइफ के सरल जीवन बीमा प्लान के बेनिफिट के बारे में। टर्म प्लान है तो डेथ बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप रेगुलर पे यानी कि रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड पे यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लेते हैं। तो ऐसे में सालाना प्रीमियम का 10 गुना निकाला जाएगा, फिर जितना बेस प्रीमियम आपने पे किया होगा टिल द डेट ऑफ डेथ उसका 105% निकाला जाएगा, उसका कंपैरिजन कर लिया जाएगा बेस सम अशोर्ड के साथ। तीनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको सम अशोर्ड ऑन डेथ कहेंगे, वो आपके नॉमिनी को लमसम एक साथ पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं बंद हो जाएगी। अगर आपने ये प्लान सिंगल प्रीमियम के साथ लिया तो जो आपका बेस सिंगल प्रीमियम है उसका 125% निकाला जाएगा और उसका कंपैरिजन कर लिया जाएगा बेस सम अशोर्ड के साथ में। दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो कहलाया जाएगा सम अशोर्ड ऑन डेथ, जो कि नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। प्लान में वेटिंग पीरियड है 45 डेज का, यानी कि पॉलिसी के जो पहले 45 दिन है उसके अंदर अगर नॉर्मल डेथ होती है तो वो अंडर द कवर नहीं होगी, उसके बाद ही अंडर द कवर होगी। लेकिन इन 45 डेज में यानी कि वेटिंग पीरियड में अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सेम डेथ बेनिफिट ही पे किए जाएंगे, जैसा कि अभी आपको बताया। उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे कि हम बजाज अलायंस लाइफ के सरल जीवन बीमा प्लान को रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद साथ समझ पाए। मान लीजिए श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की है, पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया 30 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म भी हो जाएगा 30 साल का पीपीटी, राइट, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन ले रहे हैं। माना कि सम अशोर्ड ले लिया उन्होंने 25 लाख रुपए का तो सालाना बेस प्रीमियम जाएगा 8,321 रुपए का। यह एक बेस प्रीमियम है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो 45 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा नॉर्मल डेथ के केस में, राइट। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई पहले 45 दिन के अंदर तो अधिकतम अमाउंट यहाँ पे बेस सम अशोर्ड ही बैठने वाला है, ये यहाँ पे नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर डेथ एक्सीडेंटल नहीं है और पहले 45 दिन में डेथ होती है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे में जितना प्रीमियम पे किया वो वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली डेथ वेटिंग पीरियड के बाद होती है यानी कि पहले 45 दिन के बाद, तो जो 25 लाख रुपए का सम अशोर्ड अधिकतम अमाउंट है वो नॉमिनी को मिल सकता है और पॉलिसी बंद हो जाएगी, राइट। अब आपको पता ही है
कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो 30 साल का पॉलिसी टर्म है, 30 साल तक ही प्रीमियम पे करना होगा इस केस में, राइट। अब हम यहाँ बजाज अलायंस लाइफ का जो सरल जीवन बीमा प्लान, इसको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ समझते हैं। वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, आपको प्रीमियम रेट यहाँ पे पता लगेगा। मान लीजिए श्रीमान ए है, 30 साल की आयु है, पॉलिसी टर्म लिया 30 साल का, पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने लिया यहाँ पे 10 साल का। तो 30 साल का हमारा यहाँ पे पॉलिसी टर्म है, 30 साल की ही आयु है, तो 1000 रुपए के सम अशोर्ड के लिए 10 रुपए 91 पैसे समथिंग पे करने पड़ रहे हैं, यानी कि 10.9139, यानी कि जो पी रेट यानी कि जो प्रीमियम रेट हो जाएगा वो सम अशोर्ड का 1.09139% होगा। तो 25 लाख रुपए का हम यहाँ पे जो कि बेस सम अशोर्ड है 1.09139% निकाल लेंगे, तो सालाना प्रीमियम यहाँ पे 27,284.75 रुपए का बैठेगा, जो कि इसमें टैक्स अभी इंक्लूड नहीं है, राइट। तो 25 लाख के सम अशोर्ड के लिए सालाना प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, 27,284.75 रुपए। अगर एक्सीडेंटल डेथ होगी पहले 45 दिन के अंदर वेटिंग पीरियड के अंदर, तो 25 लाख रुपए तक का अमाउंट नॉमिनी को मिल सकता है। अगर नॉर्मली डेथ होगी तो टोटल पेड प्रीमियम का 105% मिल सकता है, लेकिन 45 दिन के बाद डेथ होगी तो बेस सम अशोर्ड नॉमिनी को मिल सकता है। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने 10 साल प्रीमियम पे कर लिए और उसके 5 साल बाद, यानी कि जो 15 साल पॉलिसी के कंप्लीट करने के बाद ने पॉलिसी को यहाँ पे कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हमें देखना होगा कि टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम क्या है, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, 27,284.75 रुपए में हम 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था, तो 2,72,847.50 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। अब कैंसिलेशन वैल्यू का फॉर्मूला है कि जितना भी प्रीमियम बेस प्रीमियम पे किया उसका 70% निकाले और उसमें आप गुणा कर दें अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म को डिवाइड करके ओरिजिनल पॉलिसी टर्म से। अब हमारा अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म क्या होगा, 15, क्योंकि 15 साल कंप्लीट कर लिए, 15 साल बचे, 30 साल का पॉलिसी टर्म है। अब कैंसिलेशन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2,72,847.50 रुपए का हम 70% निकालेंगे, तो 1,90,993.25 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। 15 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ऐसे में जो कैंसिलेशन वैल्यू होगी वो 95,446.62 रुपए के आसपास होगी। तो इस तरीके से आप कैंसिलेशन वैल्यू निकालेंगे, और लिमिटेड प्रीमियम के केस में कम से कम 2 साल प्रीमियम के करने के बाद भी आप पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू ले सकते हैं, उससे पहले नहीं, राइट। और ये रेगुलर प्रीमियम के साथ अवेलेबल नहीं है। वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही रखिएगा, 30 साल का पॉलिसी टर्म, 30 साल की आयु, तो ऐसे में सिंगल प्रीमियम के केस में 1000 रुपए के सम अशोर्ड के लिए 79.7264 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। एंट्री एज अगेन हम 30 साल की ही मान लेते हैं, यानी कि श्रीमान ने 30 साल के हैं, हेल्दी हैं हमने मान लिया, नॉन स्मोकर हैं, 30 साल का पॉलिसी टर्म हमने ले लिया, तो जो प्रीमियम रेट यहाँ पे लागू होगा 1000 रुपए के सम अशोर्ड का 7.97264% आप निकालेंगे तो 79.7264 आ जाएगा। हमारा 25 लाख रुपए का सम अशोर्ड है, उस पर हम प्रीमियम रेट को अप्लाई कर देंगे तो 1,99,316 रुपए का ही हमारा बेस प्रीमियम हो जाएगा, जो इनको पे करना होगा, ठीक है जी। बाकी कैंसिलेशन वैल्यू इसी तरीके से निकाली जाएगी जैसे मैंने आपको भी बताई, वहाँ पे टोटल पेड प्रीमियम था, यहाँ पे सिंगल प्रीमियम का 70% निकाल लेंगे, सेम तरीका फॉलो करेंगे, राइट। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का आपको मिल जाता है, अगर आप डायरेक्टली कंपनी से पॉलिसी लेते हैं, आइदर 30 दिन का मिलता है, यही वो पीरियड होता है जिसके दौरान अपनी पॉलिसी को आप कैंसिल करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि पॉलिसी गलत तरीके से सेल कर दी गई है। अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो ग्रेस पीरियड मिलेगा 15 दिन का, आइदर 30 दिन का है। रिवाइवल पीरियड 5 साल का आपको मिलता है, जो कि लास्ट प्रीमियम का जो ड्यू डेट होता है उससे काउंट किया जाता है, ठीक है जी। बाकी वेटिंग पीरियड आपको बता ही दिया है कि 45 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। अगर वेटिंग पीरियड के दौरान एक्सीडेंटल डेथ होती है तो अंडर द कवर है, नॉर्मल डेथ होगी तो कवर नहीं होगी, राइट। नॉर्मल डेथ 45 दिन के बाद ही अंडर द कवर आएगी, ठीक है जी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये भी चीज समझिएगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आपकी ओपिनियन है जरूर लिखें, क्योंकि हमें हमेशा आपके सुझाव और प्रश्नों का इंतजार रहता है। धन्यवाद आप सभी का।